पहला क्वेश्चन है ऑफ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज सो इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो पॉलिटिकल पार्टीज का फीचर नहीं है कौन सा ऐसा चीज है जो पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन नहीं है फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्टरनेट गवर्नमेंट सरकार को बनाना और उसको ऑल्टरनेट करना ओके okay? उसको हटाना नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन लोगों का जनमत बनाना नेक्स्ट पॉलिटिकल एडुकेशन देना लोगों को नेक्स्ट टू कंट्रोल जुडिशियरी जुडिशियरी को कंट्रोल करना विचार व्यवस्था सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पर नॉट फंक्शन का आ गया है सो जुडिशियरी का कंट्रोल करना काम पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है लोगों को शिक्षा देना पॉलिटिकल ओपिनियन बनाना गवर्नमेंट for फॉर्म करना है ये सारे काम हो सकते हैं लेकिन जुडिशियरी को कंट्रोल करना नहीं सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का यहाँ पर एक तरफ लॉथर है दूसरी तरफ बुक्स है ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट है रविंद्र रे ऑप्शन बी आशीष कुमार रे रॉय ऑप्शन सी कैथर स्प्रे एंड डी संजय कुमार उनके एडिटेड बुक्स के बारे में ऑप्शन बुक्स है एंड देयर आइडियोलॉजी ऑप्शन टू द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर ऑप्शन सी जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया नेक्स्ट इंडियन यूथ एंड एजुकेशनल पॉलिटिक्स तो कौन सा किसके साथ मैच खाएगा, ओके okay. रे so, के साथ जाएगा कौन सा ऑप्शन ए नक्सलाइट एंड देर आइडियोलॉजी आशीष कुमार रे के साथ जाएगा इंडियन यूथ एंड एडुकेशनल पॉलिटिक्स एंड संजय कुमार के साथ जाएगा जेंडर डेवलपमेंट एंड स्टेट इन इंडिया सो ऑप्शन थ्री ओके सो करेक्ट आंसर होगा सॉरी सॉरी करोल स्प्रे के साथ जाएगा जेंडर डेवलपमेंट एंड स्टेट इन इंडिया एंड संजय कुमार के साथ जाएगा इंडियन यूथ एंड एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स सो करेक्ट आंसर हमारा होगा वन टू थ्री फोर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वॉज अर्ली लिबरलिज्म हाउ वॉज अर्ली लिबरलिज्म कैरेक्टराइज बाई सी मैकफर्सन सो सी मैकफर्सन ने ऑलट्र लिबरलिज्म को किस तरीके से क्रिटिसाइज कैरेक्टराइज किया वर्णन किया ओके ऑल्टरिस्टिक परहितवादी हिसाब से डेवलपमेंटल वो विकास विकासवादी हिसाब से पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म सत्य उदारवादी हिसाब से या वेलफेयरिस्टिक मतलब कल्याणवादी हिसाब से सो करेक्ट आंसर हमारा होगा पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म individual, ये जो कांसेप्ट है ये

तिलक के हिसाब से पॉलिटिकल लिबरेशन ये एंड जो राइट्स है वो अचीव किए जा सकते हैं डायरेक्ट एक्शन एंड प्रोसीडर्स से सो so, कौन सा कौन सा करेक्ट है तिलक के बारे में सो so, फर्स्ट वो फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिए काम किया था उन्होंने प्रियलिस्ट एंड नेशनलिस्ट दोनों थे उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम से सोशल uh, फ्रीडम को ऊपर ज्यादा फोकस किया और उन्होंने पॉलिटिकल लिबरेशन के लिए राइट्स और वो एसिड कर सकते हैं प्रेशर के से, so सो ऑल बातों को वो उनसे मिलते हैं, सो करेक्ट बी सी डी मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का इन विच एस्पेक्ट डज मॉडर्न डज नॉट बिलीव जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो किस चीज के ऊपर बिली विश्वास नहीं रखते हैं To grave welfare, मतलब, uh, सब विषय में कल्याण करना नेक्स्ट मिनिमल स्टेट नेक्स्ट पॉजिटिव फ्रीडम एंड सोशलिज्म है जो वो फोकस नहीं करता है वो हैिबरलिज्म नहीं मानते हैं सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स ऑर्डर डेटेड ट्वेंटी फोर्थ आगस्ट टू थाउजेंड से पुटुलस्वामी रिटायर्ड हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उन्होंने उस वक्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट केस हुआ था ट्वेंटी फोर्थ अगस्त को जस्टिस के एस वर्सेस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वहां पर क्या डिक्लेयर किया गया था ऑप्शन देखते हैं द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इन इंस्ट्रिंक्ट पार्ट Of, ra of the right to life and personal liberty under article 21 and as a part of freedom so the right to privacy jo hamara privacy ka right hai protected hoga right to life and personal liberty article 25 as a part of the freedom freedom next the union government must amend the constitution and add a प्रोविजन फॉर द राइट टू प्राइवेसी के लिए और एक आर्टिकल uh, उनको राय करना चाहिए यहाँ ऑप्शन सी द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड बाई आर्टिकल फोर्टीन आर्टिकल फोर्टीन इक्वलिटी बिफोर लॉ के हिसाब वहां पर राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाए एंड uh, आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ वहां पर भी उसको प्रोटेक्ट किया जाए नेक्स्ट ऑप्शन डी राइट टू प्राइवेसी इज डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन से राइट टू प्राइवेसी आया है एंड आर्टिकल 14 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज वहां से ओके okay? सो so, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंदर ही राइट टू प्राइवेसी को दिया जाए क्योंकि वहां पर ही व्यक्ति का स्वाधीनता को पर्सनल लिबर्टी के अंदर उसको उस फ्रीडम के साथ साथ जुड़ा जाए ऑप्शन so, बी तो, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मतलब हमारे यहां पर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं McGregor in his celebrated text, McGregor's famous book, hai, book hai, *Human Side of the Enterprise*. Has given his famous theoretical assumptions. Which of the following correct assumption? ने उनके में एक किया था। वो क्या है? फर्स्ट द एवरेज ह्यूमन विद रिलेटिवली लिटिल एंबिशन प्रेफर्स टू बी डायरेक्टेड एंड विशेस टू अवॉइड रिस्पांसिबिलिटी सिक्योरिटी इज द मेन सो एवरेज जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है वो रिलेटिवली

एंटीपैथी टू वर्क उसके प्रति इंटरेस्ट है वो चाहे तो नेक्स्ट बेस्ट मैनेजमेंट इज ट्रू साइंस बेस्ट मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट को अच्छी तरह से कर, वो एक अच्छा साइंस है सो so, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है करेक्ट है वो है ऑप्शन ए एंड बी एवरेज ह्यूमन बींग क्या करते हैं लिटिल एम्बिशियस होते हैं वो क्या करते हैं अपने रिस्पॉन्स्योरिटी है? के लिए मेन कंसर्न है और वो प्रॉपर ह्यूमन बींग लर्न प्रॉपर कंडीशन नॉट ओनली टू सबसे रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके okay. फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है फर्स्ट कह रहा है इनफॉर्मेश इनफॉर्मल एलिमेंट डू नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन आउटपुट जो इनफॉर्मल एलिमेंट है इनफॉर्मल चीजें हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल आउटपुट पे अच्छा रोल नहीं प्ले करता है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है सोशल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल के पास सोशल है इंडिविजुअल नहीं है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी व्यूड एज अ सोशल सिस्टम की तरह देखते हैं नेक्स्ट वर्कर्स ह्यूमन बींगस विध ऑल ह्यूमिनिटी एट्रीब्यूट वर्कर्स ह्यूमन बीइंग्स वर्कर्स ह्यूमन बींग है विथ ऑलिटी एट्रीब्यूट उनके पास सारे ह्यूमिनिटी एट्रीब्यूट होते हैं सो so, यहाँ पर जो गलत ढूंढना होगा इनकरेक्ट करेक्ट ऑप्शन ए होगा क्योंकि इनफॉर्मल एलिमेंट्स डू नॉट इनफॉर्मेंट इंपॉर्टेंट रोल ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पोलिटिकल फिलोजफी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय सो दीनदयाल उपाध्याय का इनमें से कौन सा फिलोजफी से रिलेटेड नहीं है फर्स्ट कंसिडरशन ऑफ मैन एज एट एटोम मैन को एक मनुष्य को विचार करना एक अनु के रूप में नेक्स्ट कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट नहीं है या नहीं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का या इंट्रीगल ह्यूमनिज्म आंसर है कंसीडर मैन एज एटम्स मैन को मनुष्य का अनु के हिसाब से उन्होंने कभी नहीं विचार किया तो सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन सी श्री नेशनलिज्म उन्होंने नेशनलिज्म को कैसे देखा था फर्स्ट स्पिरिचुअल नेशनलिज्म डिफरेंस फ्रॉम द वेस्टर्न वेस्टर्न ऑफ उन्होंने से अलग करके स्पिरिचुअली नेशनलिज्म को डिफाइन किया नेक्स्ट ए नेशन इज एन ऑर्गेनिज्म नेशन को एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखा है उन्होंने नेक्स्ट नेशनलिज्म एज रिलीजियन एस्पिरेशन एंड मोरल एटीट्यूड्स उनको मोरल एटीट्यूड्स की तरह देखा नेक्स्ट नेशन एज ए जियोग्राफिकल एंटिटी की तरफ से देखा सो करेक्ट आंसर है स्पिरिचुअल भी है वो नेशनलिज्म uh, को देखा है ऑर्गेनिज्म भी उन्होंने देखा है एंड uh, उनको एक एस्पिरेशन मोरल जियोग्राफिकल एंटिटी की तरह उन्होंने नहीं देखा है सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ए बी सी वो था करेक्ट आंसर सो आज के लिए इतना ही मैंने यहाँ पर टेन क्वेश्चन और डिस्कस कर दिए हैं सो so, तब तक के लिए थैंक यू कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग